अगर आप आजकल घर पर बिल्कुल फ्री हैं और आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए मैरिज ब्यूरो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो गाइज, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैरिज ब्यूरो क्या होता है, मैरिज ब्यूरो शुरू करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, मैरिज ब्यूरो शुरू करने का प्रोसेस क्या होता है, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक छोटे मैरिज ब्यूरो को एक बड़े मैरिज ब्यूरो में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में मैं भी एक मैरिज ब्यूरो ओपन करना चाहता था, जिसके लिए मैं कई सारे मैरिज ब्यूरो गया। वहाँ पर मैंने लोगों से बात की कि कैसे उन्होंने उसको ओपन किया, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कितना उन्होंने खर्चा किया है, क्या कोई लाइसेंस लेना पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने उन लोगों से बात की है। तो मैं अपना वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इस वीडियो के 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैरिज ब्यूरो आखिर होता क्या है। तो मैरिज ब्यूरो एक ऐसी एजेंसी होती है जो मैट्रिमोनियल मैचेस का काम करती है, यानी कि उनके पास लड़कों के प्रोफाइल्स भी होते हैं और लड़कियों के प्रोफाइल्स भी होते हैं, और वो मैच करते हैं कि कौन सी लड़की के लिए कौन सा लड़का बेहतर रहेगा और कौन से लड़के के लिए कौन सी लड़की बेहतर रहेगी। इसमें वो रजिस्ट्रेशन का चार्ज करते हैं और साथ ही जब कोई रिश्ता पक्का हो जाता है तो तब भी वो कुछ पैसे लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि एक मैरिज ब्यूरो स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। आप बहुत ही कम पैसों में और कुछ बेसिक से सेटअप के साथ मैरिज ब्यूरो स्टार्ट कर सकते हैं। मैरिज ब्यूरो स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन चीज होती है जगह। अगर आपका घर किसी अच्छी जगह पर है तो आप अपने घर से भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी रूम को एज ए मैरिज ब्यूरो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल मैरिज ब्यूरो बनाना चाहते हैं, एक अच्छा मैरिज ब्यूरो बनाना चाहते हैं, क्लाइंट की नज़रों में आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको शुरू में ही एक ऑफिस ओपन कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ऑफिस की, साथ ही उसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि टेबल, चेयर्स एक्सेट्रा, और उसके साथ ही आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कंप्यूटर की और एक प्रिंटर की। क्योंकि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो पहले आपको फॉर्म प्रिंट करके उसके ऊपर ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद ही आपको उसको कंप्यूटर में स्टोर करना है। तो आपको एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही आपको ज़रूरत पड़ेगी एक असिस्टेंट की। क्योंकि आप अगर अकेले इस काम को शुरू करना चाहें तो आपके लिए बहुत मुश्किलें आएगी, लेकिन अगर आप अपने साथ एक असिस्टेंट रख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। असिस्टेंट अगर लड़की हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक तो वो पैसे कम लेगी, दूसरा ये कि शुरू में आपके पास क्लाइंट्स कम आएंगे तो आपको हो सकता है कि आसपास के इलाके में घरों में जाकर के भी क्लाइंट्स लेने पड़े, प्रोफाइल बनवाने पड़े, तो उसमें लड़की आपके काफ़ी काम आएगी। मैरिज ब्यूरो स्टार्ट करने के लिए आपको किसी लाइसेंस या किसी रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में कुछ ही ऐसे शहर हैं जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बाकी आप बिना लाइसेंस के और बिना रजिस्ट्रेशन के भी मैरिज ब्यूरो स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मैरिज ब्यूरो स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपको पूरा प्लान बना लेना है कि आपको ऑफिस कहाँ बनाना है, ऑफिस में आपको क्या क्या सामान रखना है, उसकी आपको लिस्ट बना लेनी है, असिस्टेंट आपको पहले ही हायर कर लेना है। ऑफिस सेटअप करने के बाद दूसरी बड़ी चीज आती है एडवर्टाइजिंग। तो आपको एडवर्टाइजिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बिना बिजनेस कम ही चल पाते हैं। तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें उसमें आपको एडवर्टाइजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खास तौर से मैरिज ब्यूरो में आपको एडवर्टाइजिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी शुरुआत आप अपनी शॉप से ही करिए। सबसे पहले आपको अपने ऑफिस पर एक बढ़िया सा बैनर लगाना है, जिस पर एक अच्छा लोगो और आपके मैरिज ब्यूरो का एक अच्छा नाम होना चाहिए। इसके बाद आपको लोकल एडवर्टाइजिंग करनी है, उसके लिए आप पंपलेट बनवा सकते हैं, या फिर आपके शहर कस्बे में जो बड़े बड़े चौराहे हैं वहां पर आपको बड़े बड़े होल्डिंग्स लगवाने हैं। होल्डिंग्स की ज्यादा कीमत नहीं होती है, आप 6-7 हज़ार रुपए पर ईयर में एक होल्डिंग लगवा सकते हैं। तो अगर आप शहर में 4-5 होल्डिंग भी लगवा दें तो इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। होल्डिंग आपके बेहतरीन होने चाहिए, उस पर आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके मैरिज ब्यूरो का नाम होना चाहिए। साथ ही शुरुआत में आपको रजिस्ट्रेशन की फीस कम रखनी है, आप लगभग 100 से 500 रुपए के बीच रजिस्ट्रेशन फीस रखिए। तीसरा स्टेप आता है मार्केटिंग का। जब आप मैरिज ब्यूरो ओपन करते हैं तो उसके लिए भी आपको मार्केटिंग की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि जब आप मैरिज ब्यूरो ओपन कर लेते हैं तो पहले 1-2 महीने में तो आपके पास क्लाइंट्स बहुत ही कम आएंगे और शायद आप अपना खर्चा भी ना निकाल पाए। तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपको 1-2 स्टाफ मेंबर हायर करना है, सिर्फ इसी काम के लिए, जो आसपास के घरों में, आसपास के मोहल्लों में या आपके शहर के आसपास में जो गाँव है वहां जाकर के घर घर में बताए कि हमने मैरिज ब्यूरो ओपन किया है
और हम लोग लड़के लड़कियों के रिश्तों के लिए प्रोफाइल बनाते हैं, तो आप लोग भी 100 रुपीज़ दे करके अपने लड़की या लड़के का प्रोफाइल हमारे यहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं। हम क्या करेंगे कि आपकी लड़की के लिए काफ़ी सारे अच्छे लड़कों के प्रोफाइल आपको दिखाएंगे, या आपके लड़के के लिए काफ़ी सारी अच्छी लड़कियों के प्रोफाइल आपको दिखाएंगे। तो अगर आपके वो दो बंदे पूरे दिन में अगर 30 घरों में भी जाएंगे और 30 में से अगर 10 लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आपके एक दिन के 10 क्लाइंट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से जब आपके पूरे इलाके में शोहरत हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि आपने अपना जो मैरिज ब्यूरो ओपन किया है, और आपके जैसे जैसे मैरिज ब्यूरो की शोहरत बढ़ती जाएगी, आपको क्लाइंट्स मिलने लगेंगे, और जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ने लगेंगे तो आपका मैरिज ब्यूरो बड़ा होता चला जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि मैरिज ब्यूरो में इनकम कितनी और कैसे होती है। मैरिज ब्यूरो में इनकम के 2 सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स तो ये होता है रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा सोर्स होता है कि जब कोई लड़का या लड़की का रिश्ता तय होता है तो मैरिज ब्यूरो वाले लड़के वालों से भी पैसे लेते हैं और लड़की वालों से भी पैसे लेते हैं। हमारे यहाँ पर गुड़गांव में जो मैरिज ब्यूरो है, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 2,000 से लेकर 5,000 रुपये तक है, यानी वो स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन के 5,000 रुपये तक लेते हैं, और उसके बाद जब किसी लड़के या लड़की का रिश्ता तय हो जाता है तो वो लड़की वालों से भी 50,000 रुपये तक लेते हैं और लड़की वालों से भी 50,000 रुपये तक लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप एक क्लाइंट से कितने कमा सकते हैं। तो आप मैरिज ब्यूरो से कितना कमा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं और आपके क्लाइंट्स का इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है। जितने अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम होगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं वो इससे कई कई लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। जब आप मैरिज ब्यूरो स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 2-3 महीने आपको हार्ड वर्क करना होता है, उसके बाद आपको कुछ ज्यादा खास वर्क नहीं करना होता है, क्योंकि आपकी पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि आपके पास क्लाइंट्स खुद ही आने शुरू हो जाते हैं, और जब आपके पास क्लाइंट्स आने लगते हैं तो आपका काम काफी इजी हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे आप एक छोटे मैरिज ब्यूरो को एक बड़ा मैरिज ब्यूरो बना सकते हैं। एक छोटे मैरिज ब्यूरो को बड़ा मैरिज ब्यूरो बनाने में आपको काफी हार्ड वर्क करना होगा। इसके लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है एडवर्टाइजिंग। आप अपने शहर में न्यूज़पेपर में रख करके पंफलेट बंटवाइए, या जो आपके शहर में बड़े बड़े चौराहे हैं वहां पर आप होल्डिंग बनवाइए, या इसी तरह से जितनी पब्लिसिटी जैसे आप कर सकते हैं आप पब्लिसिटी करिए। दूसरी मेन चीज ये है कि आप कुछ स्टाफ हायर करिए जिसका काम यही रहे कि वो घर घर में जाकर के रजिस्ट्रेशन ले, क्योंकि आपका जो पूरा स्टाफ है अगर वो एक दिन में 100 घरों में भी जाता है और उन 100 में से अगर आपके 10 भी रजिस्ट्रेशन होंगे तो आपको 10 क्लाइंट्स पर डे मिलेंगे, और 10 क्लाइंट्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी कितनी इनकम हो सकती है। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपके पास जो भी प्रोफाइल्स आएंगे आपको उनको अच्छे ढंग से मैनेज करना है। अच्छे ढंग से मैनेज करने का मतलब ये है कि आप 2 पेपर का प्रोफाइल बनाएंगे। पहले पेपर में आप लड़के लड़की का फोटो, एक बड़ा फोटो आपको लगाना है, साथ ही उसकी एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी हॉबीज, जो कॉमन चीजें हैं वो उस पर आपको ऐड करनी है, और दूसरे पेज पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह ऐड करना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी लड़की वाले को कुछ लड़कों का प्रोफाइल दिखाएंगे या लड़के वाले को कुछ लड़कियों का प्रोफाइल दिखाएंगे तो आपको शुरू का ही पेज दिखाना है, जिससे कि अगर उन्हें लड़की अच्छी लगती है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और देखने से, तो फिर आप उनका कांटेक्ट कराएं और उनकी मीटिंग फिक्स करें। इसके बाद एक चीज आती है वेबसाइट की। आपको अपने मैरिज ब्यूरो की एक वेबसाइट जरूर बनवानी है जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन देना है। वेबसाइट का भी आपके बिजनेस पर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, इससे आपको काफी फायदा होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप अपने एक छोटे मैरिज ब्यूरो को एक बड़ा मैरिज ब्यूरो बना सकते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि मैरिज ब्यूरो क्या होता है, मैरिज ब्यूरो ओपन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, मैरिज ब्यूरो ओपन करने का प्रोसेस क्या रहेगा, और आप कैसे एक छोटे मैरिज ब्यूरो को एक बड़ा मैरिज ब्यूरो बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।